अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेले का रंगारंग आगाज आज मेला मैदान में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन एवं ध्वजारोहण के साथ हुआ। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने झंडारोहण कर मेले का औपचारिक आगाज किया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने मेला मैदान में राष्ट्रगान के बीच तिरंगा झंडा फहराया। झंडारोहण के साथ ही मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेलकूद प्रतियोगिता की धूम शुरू हो गई। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना से हुई। 51 ऊँटों की रैली का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया। नगाड़ा वादन नाथुराम सोलंकी के साथ विदेशी सैलानियों ने टीम के द्वारा कार्यक्रम किया। मांडना प्रतियोगिता का कार्यक्रम हुआ। देशी विदेशी खिलाड़ियों के बीच फुटबॉल मैच हुआ। कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने देश और दुनिया से आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को पुष्कर मेले की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेले हमारी सांस्कृतिक पहचान है। पुष्कर मेले में सभ्यता और संस्कृति का अभूतपूर्व संगम देखने को मिलता है। उन्होंने कहा, एक ओर पशु मेला पर्यटकों को आकर्षित करता है तो वहीं दूसरी ओर धार्मिक मेले में आस्था का अभूतपूर्व संगम देखने को मिलता है। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार मेले को इस बार नवाचार के साथ भव्यता देने के प्रयास किए गए हैं, जिसके तहत देश के जाने माने कलाकार मेले में अपनी कलाएं दिखा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि पुष्कर मेले में वर्तमान में 2000 से अधिक पुलिस का जाप्ता तैनात है। आवश्यकता के अनुसार और बढ़ाया जाएगा। दो पारियों में राउंड दी क्लॉक ड्यूटी रहेगी। घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या के लिए गहरे पानी पर संकेत चिन्ह लगाए गए हैं और गोताखोरों की संख्या और गोताखोर तैनात किए गए हैं। मेला मजिस्ट्रेट गौरव मित्तल ने बताया कि प्रमुख व भीड़भाड़ वाले इलाकों में नगर परिषद की ओर से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एडीए ज्योति ककवानी समेत अधिकारीगण व भाजपा के कार्यकर्ता और जिले के आला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय मेले का आज आगाज हुआ। मैं इस मेले की देश और प्रदेश वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लोग साल भर इस मेले का इंतजार करते हैं और इस मेले के अंदर पशुओं के साथ साथ धार्मिक मेला भी पूरी भव्यता से भरता है। पशुओं को भी हमारी अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएँ यहाँ आयोजित होती है और देशी और विदेशी सैलानी भी सब आयोजन होता है और हमारे लगातार तारीख से 15 मनोरंजन के लिए रंगारंग कार्यक्रम होता है और हमारा यहाँ करीब 6 से 7 दिन तक प्रतिदिन अच्छा अच्छा कार्यक्रम। पुष्कर मेले का आज विधिवत शुभारंभ हुआ है। काफ़ी संख्या में पशुपालक भी आ चुके हैं। पहले से 14 संख्या में पशुपालक इस बार आ रहे हैं। उससे अधिक संख्या में श्रद्धालु और विदेश में आने की संभावना है, उसको लेकर प्रयास की गई है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे कैमल शो भी ऐड किया है, उसी प्रकार हर कार्यक्रम में कुछ ना कुछ इस बार राज्य सरकार के डायरेक्शन से कि इसको मेले को आध्यात्मिक रूप दिया जाए और अधिक भव्य बनाया जाए, उसी के अनुरूप हमने इसको इवेंट्स इसमें ऐड किए हैं। छात्राओं के द्वारा जो है कल्चरल इवेंट्स किया जा रहा है, उसमें राजकीय विद्यालय पुष्कर की प्रिंसिपल मैम शालू मैम, फरीदा बेगम, रेखा राजावत, प्रेमी मैम, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पहले ही मेले के संबंध में मीटिंग की गई, जिसमें कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में वो मीटिंग की गई। हम सभी ने बैठ के निर्णय लिया कि वहाँ पर जो डेंजर मार्क है उनको मार्क किया जाए, उसके अलावा रस्सियाँ बांध के जो डीप है उस वाले एरिया में जाने से लोगों को रोका जाए। तो हर घाट के ऊपर रस्सियाँ बांधी गई हैं जो कि विजिबल है। इसके अलावा लाल रंग के फीते भी बांधे गए हैं जो डेंजर मार्क को दिखाते हैं और आम जनता को इसके बारे में बताकर सूचित करके उस डेंजर मार्क से दूर रखने जाने की पूरी रूपरेखा जो है वो तैयार की जा चुकी है। For me. One more last, ten more times,
for making black rice and sugar. This black rice has a really unique flavor.